घर में लागू ढूंढ लगा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक जात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। उत्तराखंड इंडिया, वहां जी ये स्कूल है जिसकी एट क्लास की जो तालिबाएं हैं स्टूडेंट्स, उनमें से छह उनमें से अचानक चीखना शुरू हो जाती हैं, डरना शुरू हो जाती हैं और बार बार बेहोश हो जाती हैं बार बार। सही। ये मुझे कोई 4 से 5 लोग आज भेज चुके हैं वीडियो। अच्छा। और ये वीडियो वहां इंडिया में वायरल भी हो चुकी है, यहां तक उनके न्यूज चैनल तक भी पहुंच गई है। सही। आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। और ये 6 बच्चियां जो है ना चीख रही हैं और कुछ कह रही हैं, अपनी जबान है उनकी शायद, ये कुछ ऐसी जबान है जो समझ नहीं आ रही। आपने वीडियो देखी? अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो 4 है ना। हाँ। अब बच्चों के बिहेवियर्स बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ, मतलब ये एज ग्रुप होगा 12 से लेके 15 साल के दरमियान। सही। 8 क्लास की स्टूडेंट जी बहुत हुआ। हाँ, 12 से 15 के दरमियान ही होगा, 16 शायद। सही। उनमें ना जो रिएक्शंस है ना, जो अंदाज हैं, वो उस एज ग्रुप के नहीं लग रहे। सही। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहली बच्ची यहाँ बेहोश है। अच्छा। ठीक। ये दूसरी बच्ची जो है ना, ये जैसे बेबस नहीं होता कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, या क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मतलब अकेली चीख रही और बातें कर रही है। आप ये देखें। ठीक। ये तीसरी और ये 3, 6 बच्चियां। अब इनके अंदाज देख रहे हो, जब इसका मुंह सूजा हुआ है यहां से, मुझे ऐसा लग रहा है यहां से ना मुंह सूजा हुआ है और गुमसुम है। हाँ, और इनके कपड़े बता रहे हैं कि ये भी बिचारियां बहुत बार ना मट्टी में या हुई हैं, लोटपोट हुई हैं, गिरी हैं, बेहोश हुई हैं। अब ये वहां के चौकीदार हैं, टीचर हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उतारा कर रहे हैं ना, नजर उतार रहे हैं। अच्छा। किसी तरह ना ये मसला हल हो, इन पर कोई असर है जो ये चीज जो है ना, क्योंकि उन लोगों का जहन बन गया, ये जो इलाज की कोशिश कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये 4थी बच्ची ये भी मार रही है। मुझे ना वो याद आ गया, हम शाकी गए थे। सही सही सही। ठट्टा में वो मजार शरीफ है जी यहाँ पर हजरत शाकी की रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनकी करामात है कि जिन पर असर हो ना, असरात हो, उनको वहां पर 7 जुमेरातों आप लेके जाएं तो वो करम हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब वहां पर मैंने खुद देखा था, रिकॉर्ड किया था कि खवातीन जो है ना, इस तरह का अंदाज था उनका, मट्टी में कुछ बनाना अपने आप को, वो तो वहां ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट्स को, गाड़ियां हिल रही होती हैं पूरी, जिससे उनको लेके जा रहे होते हैं, 6-6 लोग काबू नहीं कर पाते उनको। तो इनके अंदाज कुछ मुझे अल्लाह यार, एक कोफ तकलीफ। एक ख्याल ये आता है कि पढ़ाई से बचने के लिए, एग्जाम से बचने के लिए, जब मैंने शुरू में सिर्फ सुना था ना ये, तब एक ख्याल ये आया मुझे, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी, गौर से देखी, कि तस्वीर को निकाल के अलग अलग देखा ना, तो मुझे ये कहीं अदाकारी महसूस नहीं हुई। सही। कहीं पर ये एक शरारत महसूस नहीं हुई। अच्छा, बच्चियां जो ये
ये करेंगी भी ना तो घर में करेंगी, इतनी हिम्मत इस उम्र में बच्चों की होती है कि स्कूल में या कॉलेज में करें। माँ बाप के सामने तो बच्चे कर जाते हैं लेकिन टीचरों के सामने और किसी के सामने नहीं करते। दहर की घोट की जी हम जाना हुआ, वहाँ कॉलेज था बच्चियों का ही, वहाँ पर भी यही शिकायत थी कि उनकी गर्दन घूम गई थी पूरी, वो अपने वालदैन को नहीं पहचान रही थी और पूरी टीचर्स असातिज़ा वहाँ पर उनकी कुलीग्स चौकीदार सब गवाह थे उस चीज़ के जी ये असर रहा उन पर। फिर हमने बीच में एक और शेयर किया था सिंध में ही कि एक दरख्त से जो है ना बच्चियों पर कोई असरात हुए थे, कोटरी का हमने वाक्य शेयर किया था। और मुझे एक भाई ने बताया वहीं इंडिया से ही कि भाई यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बहुत ऐसे मसाइल हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे इलाके हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में असरात हैं। वैसे कहते हैं उधर आए दिन ना स्कूलों में, बच्चियों के स्कूलों में ज्यादातर इस तरह के मामले आते हैं सामने। अब मैं श्योरली नहीं कहता कि ये कोई हरकत या कोई तरकीब है या कोई इन छः की छः से कोई गलती हुई है। मुझे तो सच्चा इस हरकत तो नहीं लग रही, क्योंकि यार बच्चों के ड्रेस बिल्कुल वेल ड्रेस और अच्छी ड्रेस पहने हुए और बिल्कुल साफ सुथरे हैं और वो अपने ड्रेस गंदे कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता समझदार बच्चियाँ नहीं कर रही हूँ, जानबूझ के कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा या कुछ और ही मामला। देखो ग्रीनरी चारों तरफ है, ठीक है, और पता नहीं किस मामले से गुजरी। और सबसे बड़ी बात ये पूरा ग्रुप लग रहा है बच्चियों का ना, एक ग्रुप छह बच्चियाँ ना बच्चियाँ ज्यादा तीन ख्याल ये आता है। देखिए हुआ क्या था, कोटरी में शिराज में दरख्त से मसला हुआ था, गंदी गली से तीन बच्चियों को। दहर की घोटकी में दरख्त से मसला हुआ था, सही, वो दरख्त के नीचे वॉशरूम था और बच्ची ने थोड़ा सा एहतियात भी नहीं किया था, बेएहतियाती की थी, सही, मखसूस दिन। फिर यहाँ पर भी बहुत दरख्त हैं आसपास और वल्ला आलम के शायद उसी वजह से इनके साथ ये मसाइल हुए। उत्तराखंड में ही इतने क्यों, मैं आपको दिखाऊं, चार देखी आपने, ये पांचवी और छठी बच्ची। अच्छा बात ये रो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, गिर रही हैं अपना हुलिया। लेकिन बच्चियों को ना, लड़कियों को एक एक हया होती है ज्यादा बनिस्बत मर्दों के।